हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉर्न विद किड्स। आज हम इस वीडियो में एलकेजी के स्टूडेंट्स की मैथ्स की वर्कशीट देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप उन्हें वर्कशीट्स बना के दे सकते हैं, स्पेशली जो उनके हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं उनके बेस पर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द ग्रिड। तो ये ग्रिड इस टाइप से आ सकती है, यहाँ सिर्फ 12 नंबर ही मैंने इंक्लूड किए हैं। एटलीस्ट हाफ ईयरलीज में हो सकता है 50 या 20 तक तो उनको ये काउंटिंग अच्छे से लिखनी आनी ही चाहिए, और अगर उन्हें 10 तक सिखाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 10 तक उनको ये ग्रिड दीजिए, ठीक है। तो इसमें उन्हें जो जगह खाली है वो फिल करनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, इस टाइप से। आप ये ग्रिड रिपीट कर करके बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें कई बार आपने जैसे 2 नहीं लिखा, कई बार आप 1, 2 लिखे 3 छोड़ दीजिए, इस टाइप से आप अलग अलग पैटर्न से बच्चों को ये जो काउंटिंग है ये लिखनी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कलर द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर। जो नंबर मैंने यहाँ बॉक्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स उनको कलर करना है, मतलब जैसे 2 लिखा है तो बच्चों को 2 जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कलर करना है। सिमिलरली 4 है तो मतलब सारों को ही उसमें कलर कर देना है। नेक्स्ट देखिए, 3 है तो 3 जो बटरफ्लाइज हैं उनको कलर कर देना है, इस टाइप से। नेक्स्ट आप देखिए, काउंट एंड राइट, काउंट कीजिए और यहाँ पे लिखिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 एरोज, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, इस टाइप से बंच में भी पिक्चर आ सकती है। लीव्स देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे। नेक्स्ट देखिए, राइट बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1। ये बैकवर्ड काउंटिंग भी एक बार जब फॉरवर्ड काउंटिंग सिखा देते हैं तो बैकवर्ड काउंटिंग भी बच्चों को आनी चाहिए, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, ऐड। सिंपल एडिशन अगर उन्हें हाफ ईयरली तक सिखा दिया जाता है तो उनसे पूछते हैं, अगर नहीं सिखाया गया है तो उनसे नहीं पूछते हैं। तो आप उनका सिलेबस देखिए, अगर उसमें इंक्लूड कर दिया गया है इस टाइप के सिंपल एडिशन हाफ ईयरली तक, फाइनल तक तो उन्हें सिंपल एडिशन सिखाएंगे, बट हाफ ईयरली में अगर उनके एडिशन है तो ही आप उन्हें सिखाइए। ये देखिए, 1 3 है, 1, 2, 3, बच्चों को ये जो प्लस का साइन है एटलीस्ट उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इसका मतलब है कि जो दिए हुए आइटम है उनको ऑल टूगेदर उन्हें काउंट करना है, सारे एक साथ 1, 2, 3, ऐसे वो लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 2, फिर प्लस का साइन है मतलब सबको एक साथ ले लो, 1, 2, 3, 4, ऐसे। इसी को और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को नंबर भी लिख के दे सकते हैं, सिंपल नंबर अप टू 5 एंड अप टू 10 ओनली। जैसे 1 प्लस 2, तो 1 में एक लाइन, 2 में 1, 2 लाइन, और फिर ऑल टूगेदर 1, 2, 3। नेक्स्ट आप देखिए, 1, 2 एंड 3 है, फिर 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें कर ली। अब ऑल टुगेदर जब हम इन्हें काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, लाइक दिस। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव मैच। ये सिंपल है, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स की शेप है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को मैच करना है, लाइक दिस, दिस। ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली उनके एग्जाम्स में उनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये कुछ ओरल बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एलकेजी में बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनका ओरल भी होगा, तो ओरल में आप क्या क्या सिखा सकते हैं, और इसी ओरल में से हो सकता है कि कुछ चीजें उनको एग्जाम में भी आ जाए। नेम ऑफ द डेज, डेज के नेम आने चाहिए, संडे मंडे वाले। देन फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो फर्स्ट डे इज द मंडे, इस टाइप से। नेम ऑफ द मंथ्स, मंथ्स के नेम आने चाहिए, अगर स्पेलिंग नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, बट नेम्स एटलीस्ट आने चाहिए। काउंटिंग आनी चाहिए 1 to 50। देन आइडेंटिफाइंग द शेप्स, जैसे क्लास में अगर ओरल चल रहा है तो हो सकता है कि उनके मैम एक बॉल ले ले और बच्चों से पूछे कि बेटा ये कौन सा शेप है। तो अभी जैसे कि एलकेजी में बच्चे हैं तो उनको सॉलिड शेप्स तो नहीं सिखाए जाते हैं जो कि स्फेयर है, बट एक कोई भी गोल चीज, उनका बैंगल देख लीजिए, बॉल देख लीजिए, तो बच्चे उसको देख के कह सकते हैं इट इज अ सर्किल, ठीक है, उसको बच्चे सर्किल बोल सकते हैं। ऐसे कोई और राउंड चीज भी उनको दिखा सकते हैं,
डस्टर दिखा के या उनकी जो टेबल है वो दिखाकर उनसे पूछ सकते हैं किसका क्या शेप है. इट्स अ रेक्टेंगल शेप. तो एटलीस्ट बच्चों को दो तीन शेप्स के नेम आने चाहिए. सॉलिड शेप्स इस बार नहीं है, तो जो नॉर्मल शेप्स होते हैं चार, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्किल, उन्हीं के नाम उन्हें दिए जाएंगे. नेक्स्ट आप देखिए, बिगर एंड स्मॉलर पूछा जा सकता है. दो पेन या पेंसिल उनको दिखाए जा सकते हैं, या फिर कोई ट्रीज है, या और भी उनके इर्द गिर्द जो क्लास में चीजें होंगी, दो स्टूडेंट्स को खड़ा करके प्रैक्टिकल वे से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ओरल में, या फिर उनके पास जो नोटबुक है उसी में दो लाइंस ड्रॉ करके विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर, कि मतलब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बिगर का मतलब बड़ा होता है और स्मॉलर का मतलब छोटा होता है. जैसे ये बिगर, इट्स अ स्मॉलर. जैसे ये ड्राइंग कर दी, इट्स अ बिगर, इट्स अ स्मॉलर. ऐसे ही टॉल एंड शॉर्ट का, बिगर स्मॉलर मतलब बड़ा और छोटा, टॉलर एंड शॉर्टर मतलब लंबा और वैसे छोटा हाइट में. ठीक है, तो जैसे एक पेड़ है एंड ऐसे, तो इट्स अ टॉलर एंड इट्स अ स्मॉलर, इस टाइप से. नेक्स्ट, मोर एंड लेस, कौन सी चीजें ज्यादा हैं. तो हो सकता है बहुत सारे बीट्स हों या स्टोन्स हों, एक तरफ जैसे इतने ड्रॉ किए हुए हैं, एक तरफ इतने, तो कौन से मोर हैं कौन से लेस हैं. दीज आर मोर एंड दीज आर लेस. और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ये मोर है, एम आई राइट, क्या ये ज्यादा है. तो ट्रू एंड फोल्स टाइप में भी पूछा जा सकता है. मेरे को लग रहा है कि ये ज्यादा है, एम आई राइट, नो. तो ट्रू फोल्स बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आफ्टर एंड बिफोर, तो ये एटलीस्ट टेंथ तक आप आफ्टर बिफोर बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आफ्टर एंड बिफोर का वही उन्हें आना चाहिए. आफ्टर मतलब बाद में, बहुत आगे की क्लासेस तक बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं. तो सबसे पहले तो उन्हें आप ओरली ही घर पर प्रैक्टिस दें कि आफ्टर का मतलब क्या है. काउंटिंग उन्होंने सीख ली अच्छे से, उन्हें काउंटिंग आती है, बट आफ्टर बिफोर में कंफ्यूज होते हैं. बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में. तो व्हाट कम्स आफ्टर टू, दैट इज थ्री, वन नहीं है. एंड व्हाट कम्स बिफोर फाइव, दैट इज फोर, सिक्स नहीं है. इस टाइप से आप ज्यादा नहीं, फाइव तक भी बच्चों को आफ्टर बिफोर सिखा देंगे एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बच्चे सीख जाएंगे. आफ्टर बिफोर पे मैंने अलग से एक वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा. और भी किस किस टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.